आपके साथ अनुष्का नामदेव। जैसा कि आप सब जानते हैं, तमिलनाडु और राजस्थान के बीच तमिलनाडु ने फाइनल्स का टिकट कटवा लिया है अपना। वहीं पंजाब और बड़ौदा के बीच में जो मुकाबला हुआ उसमें बड़ौदा टीम ने जीत के साथ अपना फाइनल्स का टिकट कटवा लिया। जी हाँ, अब जो टीम अब मुकाबला करेगी वो बड़ौदा और तमिलनाडु के बीच मुकाबला होगा। 31 जनवरी को तमिलनाडु और बड़ौदा एक दूसरे के आमने सामने होंगे। उसी के साथ हम आपको बताते हैं कि पंजाब और बड़ौदा के बीच जो मुकाबला हुआ, यानी कि 29 जनवरी को जो मुकाबला हुआ उसमें पंजाब को बड़ौदा की टीम ने 8 विकेट पर 135 पर ही समेट दिया। जी हाँ, बड़ौदा की टीम ने स्कोर खड़ा करा 160 का, यानी कि 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 160 का रन का स्कोर खड़ा करा। जिसमें आपको हम खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं कि केदार देवधर, जी हाँ, प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे हैं ये, जिन्होंने 64 रन यानी कि 4 चौके और 3 छक्के, अपने चौके छक्कों की बरसात के साथ केदार देवधर ने 64 रन के साथ अपनी टीम को जीत दिलाई। उसी के साथ एक और खिलाड़ी है जिन्होंने उनका इस जीत में जो है योगदान दिया है, कार्तिक कांकड़े। जी हाँ, 53 रन के स्कोर के साथ, यानी कि देवधर प्लेयर ऑफ द मैच और कार्तिक कांकड़े दोनों की हाफ सेंचुरी के बदौलत जो है बड़ौदा की टीम ने जीत हासिल करी। वहीं आपको बताते हैं, लुकमन मेरीवाला ने 3 विकेट चटकाए। जी हाँ, लुकमन मेरीवाला और नीनंद राठवा की धुआंधार गेंदबाजी से उन्होंने प्रभसिमरन सिंह और कई अन्य खिलाड़ियों को जो है उनको शिकार बनाया, जिसने पंजाब की टीम को समेट दिया। अब वही आपको बताते हैं, कार्तिक काकड़े ने 1 विकेट चटकाए और वहीं नीनंद राठवा ने 2 विकेट चटकाए। और लुकमन मेरीवाला की बात करें तो उन्होंने 3 विकेट चटकाए, यानी कि 3 शिकार किए। उसी के साथ आपको पंजाब की टीम को बताते हैं, देखिए पंजाब की टीम इस बार बिल्कुल भी मजबूती में नहीं खेली, वो शुरुआत से ही अच्छा नहीं खेल रही थी, जिसमें सिद्धार्थ कौल जो थे उन्होंने जरूर 1 विकेट चटकाए, लेकिन मयंक मार्कंडे जिन्होंने 4 ओवर में 29 रन दिए और 1 विकेट चटकाए। और वहीं सिद्धार्थ कौल की बात करें, इनके पुराने परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते थे, लेकिन सिद्धार्थ कौल 0 पर ही आउट हो गए, वो अपना खाता ही नहीं खोल पाए। गुरकीरत सिंह मान की बात करें तो उन्होंने 29 रन बनाए। जी हाँ, गुरकीरत सिंह मान भी इस बार मजबूती से नहीं खेले हैं। और वहीं बात करते हैं प्रभसिमरन सिंह की, तो इस बार ये भी मजबूती से नहीं खेलते हुए नजर आए, इन्होंने 15 रन बनाए, सिर्फ 15 रन ही बना पाए ये। उसी के साथ आपको बताते हैं कि बड़ौदा की टीम की धुआंधार गेंदबाजी, यानी कि धार धार गेंदबाजी से उन्होंने पंजाब की टीम को जो है समेट दिया। और इसी के साथ बड़ौदा की टीम ने फाइनल्स का टिकट जो है अपने नाम कर लिया। और अब 31 जनवरी को तमिलनाडु और बड़ौदा के बीच मुकाबला होगा। जी हां, अहमदाबाद के स्टेडियम में 31 जनवरी को तमिलनाडु और बड़ौदा आमने सामने होंगे। स्पोर्ट्स की तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ हम हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल न्यूज़ स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।